हेलो दोस्तों, यदि आप भी अपने इंपॉर्टेंट फोटो और वीडियो को किसी दूसरे एप्लीकेशन में लॉक करके रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, हम किसी एप्लीकेशन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं कि वो एप्लीकेशन कब हैक हो जाए और उसके सारे डाटा को लीक कर दिया जाए। तो दोस्तों, यदि आप अपने प्राइवेट फोटो और वीडियो को लीक करना नहीं चाहते हैं, इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो में आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे कि आप बिना किसी एप्लीकेशन के मदद से अपने फोटो और वीडियो को आसानी से लॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको किसी एप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, आप आसानी से किसी भी फोटो और वीडियो को अपने मोबाइल में ही लॉक करके रख सकते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि हम उसे हाइड करेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप अपने जिस फोटो या वीडियो को लॉक करना चाहते हैं उसे आसानी से लॉक करके वहीं पर रख सकते हैं। किसी को नजर भी नहीं आएगा कि इसमें फोटो है या वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं वो देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पे ऑल कीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस ट्रिक को अप्लाई करने के लिए हम अपने मोबाइल पर आ गए हैं। अब आपको हम यहाँ पर बताएंगे कि इस ट्रिक को कैसे अप्लाई करते हैं और किसी भी फोटो और वीडियो को कैसे लॉक करते हैं। तो उसके लिए अपने फाइल मैनेजर को ओपन करेंगे और जैसे हमारा फाइल मैनेजर ओपन हो जाएगा, हम अपने उस फाइल में जाएंगे जहाँ पर आपका वो फोटो है जिसे आप लॉक करना चाहते हैं। चलिए आपको एक फ़ोटो लॉक करके दिखाते हैं। जैसे ये हमारा है, देखिए हमारा, इसको हम टच करेंगे और कैमरा में आएंगे। जैसे हम देखिए हमारा आ गया है, बहुत सारा फोटो इमेज यहाँ पर आ गया है। चलिए आप इस इमेज को लॉक करके बताते हैं। जैसे हमारा ये इमेज है, हम इसे आपको लॉक करके बताएंगे बिना किसी एप्लीकेशन से। तो इस इमेज पर यहाँ पर टच करेंगे तो इस इमेज पर टिक लग जाएगा। उसके बाद से देखिए आपको मोर का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपको टच करना है। और जैसे आप इस पर टच कीजिएगा उसके बाद से देखिए यहाँ पर लिखा है रीनेम, इस पर आपको टच करना है। जैसे ही आपका ये ओपन होगा उसके बाद से इधर लेफ्ट में थोड़ा सा एक बार टच करना है और देखिए यहाँ पर लिखा है जेपीजी, इसको आपको हटा देना है। यहाँ से हम हटा दिए हैं। अब यहाँ पर हमको लिखना है APK, यहाँ पर APK, और उसके बाद से ओके कर देना है। जैसे आप ओके कीजिएगा कि आपको कुछ इस प्रकार के पॉपअप आएगा, उसके बाद से आपको ओके कर देना है। उसके बाद देखिए हमको क्या होता है, देखिए हमारे JPG जो फॉर्म में हमारा फोटो था उसका अब क्या होता है, वो लॉक होता है कि नहीं होता है। देखिए हमारा ये फोटो APK मोड में हो गया है, यानी कि हमारा फोटो वायरस के रूप में बन गया। अब इसे हम टच करते हैं, देखिए ये बता रहा है ये नहीं है, यानी कि ये हमारा एप्लीकेशन है ही नहीं, ये तो हमारा फोटो है, हमने इसे APK फॉर्म में बना दिया है तो ये हमारा ओपन ही नहीं हुआ। और आपको इसको फिर से अपने फोटो के रूप में बनाना है तो फिर से आपको इसी पर टच करना होगा और मोर पर टच करके यहाँ पर रीनाम पर आइएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए APK को हटा कर आप फिर से इसे JPG करके और ओके कर दीजिएगा। फिर से इस प्रकार का पॉपअप आएगा, फिर से उसे ओके कर दीजिएगा। और जैसे ही ओके कीजिएगा देखिए क्या होता है, हमारा ये फोटो, देखिए ये हमारा फोटो फिर से हमारा ये JPG फॉर्म में आ गया है। अब इस फोटो को आप से फिर से हम ऐसे ओपन कर सकते हैं, इसी प्रकार से अपने वीडियो को भी लॉक कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि आपका मोबाइल कौन देखता है, उसे कौन यूज़ करता है, तो लेफ्ट वाला वीडियो जरूर देखिएगा। और अपने मोबाइल के सिक्योरिटी को मजबूत करना चाहते हैं तो राइट वाला वीडियो आपके बहुत ही काम का है।